दो साबका मुख्यमंत्री दे जिलियां दे विच सेहत सेवावां दा निकलिया जनाजा। सरकारी हस्पताल दे डाक्टरां वल्लों दित्ते जा रहे इस्तीफे। मुक्तसर साहब दा सरकारी हस्पताल बंद होण दी कगार ते अखां दे सर्जन, जच्चा बच्चा दे माहिर अते सिविल हस्पताल कार पार्किंग ठेकेदार, कंटीन चालक कंटीन छड भजे। डाक्टरां दे लगातार इस्तीफे देण दा कारण की है? जदों इस बारे हॉस्पिटल दे डाक्टरां तों पुछा गया तां उन्होंने दस्या कि डाक्टरां ते सीनियर अधिकारियां दा ज्यादा दबाव होण कारण इस्तीफे दित्ते जा रहे हन अते डाक्टरां नूं अपने पेशे तों ध्यान हटा दूसरे कामां विच दूसरे काम करन लई मजबूर किया जा रहा है। अपने हॉस्पिटल च किन्ने डॉक्टर ने रिजाइन दिता है ते केड़ी केड़ी डॉक्टर नहीं है? पिछले दिन एक तो साढ़े हॉस्पिटल विचों डॉक्टर राणा चावला गायनेकोलॉजिस्ट उन्होंने अपना रिजाइन भेजा। एक साढ़े जेडे आई सर्जन है डॉक्टर दलजीत कौर उन्होंने 3 महीनों का नोटिस दिता सरकार ने जो फ्री में रिटायर हो गए। और एक साढ़े रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्शदीप कौर वो एक दिन का नोटिस से रिजाइन कर। की कारण उन्होंने आपके परसनल रीजनस से सारा क्योंकि डॉक्टर बलजीत कौर के तो 20 साल तो उपर हो गए, वो कहते पेंशनरी बेनीफिट उन्होंने मिलने सारे, उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है। और जेडे डॉक्टर राणा चावला उन्होंने भी मेरे सुनन चाया प्राइवेट जॉब अपनी की है। और जेडे अर्शदीप कौर है वो कहते मैनू पे ज़्यादा मिलती है प्राइवेट सैक्टर के, इस करके मैं रिजाइन कर। जो सरकारी डॉक्टर घर देख सकते हैं जी क्लीनिक अपने जो जिस तरह ड्यूटी थे इस बारे तो तुम जे उच्च अधिकारी है उन्होंने की कारण है जो जॉब छड़न का? क्योंकि तुहाडे कोल दस्या जा रहा है कि हर रोज मुक्तसर एरिया गरीब तबके का हरेक करीब 300 दे तुसीं मरीज देख रहे हो। कोई भी डॉक्टर या किसी भी प्रोफेशन जो कोई बंदा होंदा तो जो अपने प्रोफेशन नाल जुड़िया होंदा तो उन्हें जॉब सैटिस्फैक्शन आती होंगी है। जो अपना काम कर जो अपने लगन लग जाता है कि मैं अपने काम तो पासे हो गई हाँ तो मैं उन्होंने कामों में मैं मंझाया जा रहा जेडे कि मेरे प्रोफेशन रिलेटेड नहीं है तो फिर मतलब आप सोचने मजबूर हो जाए कि आप अपने प्रोफेशन किमें अगर वाने जॉब छड के आप वा सकते हैं जॉब छ जो जॉब छड़न का मन बनाया भी सरकारी तो प्राइवेट खोलन की कोई है उम्मीद किसी? देखो मैं जिन्हें मेरे नाल इन्ना गरीब तबके जुड़िया हुआ मैं कोई इस तरह हम दुध पाने वाला काम तो नहीं करना है। जे मैं कोई अपना करांगी अगर अपने लैवल से अपना काम करांगी तो मैं चैरिटेबल टाइप का काम करांगी जिस नाल कि हर वर्ग का बंदा गरीब परिवार भी मध्य वर्ग परिवार भी मेरे नाल जुड़िया रहा क्योंकि तुहाडा परिवार सेवा भावना की ज़्यादा कदर करता है इस तरह की? हाँ मैं इसलिए मैं उही कह रही हूँ कि मैं प्राइवेटाइजेशन वाल नहीं जा रही कि मैं कोई पैसे कमा रही मतलब मैं चैरिटेबल संस्था के नाल जुड़ के काम खुश हूँ। हाँ मैं लगता है कि मैं ज़्यादा खुश होवगी क्योंकि मैं फिर अपने काम वाल ध्यान देवगी मेरे से उस तरह के काम नहीं थोपे जाएंगे जिन्ना कि मेरे प्रोफेशन वाल कोई टेंशन नहीं। लोग मंग कर रहे हैं कि बलजीत कौर इतने ही रहने मुक्तसर। बिल्कुल मैं जिवें लोगों ने मैंने बनाया है लोगों के प्यार नाल ही मैं इतों तक पहुंची हाँ तो मैं लोगों की मंग अनुसार ही काम कराँगी जिन्हें चाहूँगी। लोक इंसाफ पार्टी के जिला प्रधान ने डाक्टरां दे इस्तीफे बारे दस्या कि डाक्टरां नूं किस तरह ध्यान भटका के तंग किया जा रहा है। की नाम वीर जी तुहाडा? धर्मजीत सिंह बोनी बेदी है जी। मेरा नाम लोक इंसाफ पार्टी तो जिला प्रधान है जी। मैं इतने मुक्तसर के सिविल हॉस्पिटल चो डॉक्टर रिजाइन दे के जा रहे हैं धड़ाधड़ जा रहे हैं इन्होंने बारे तुहाडा की कहना है जी? बहुत ही मंदभागी घटना है जी। सिविल हस्पताल श्री मुक्तसर साहब वास्ते सिविल हस्पताल श्री मुक्तसर साहब के धड़ाधड़ डॉक्टर इस्तीफा दे के जा रहे हैं उनके पिछे की गल है। अज असी किसी डॉक्टर नाल भी गल की सी कहिंदे भी जिहड़ा काम असी करना है वो काम तो ध्यान हटा के साडा होर काम वाले पासे ध्यान लाउंदे आ जाने कि जिन्ना सिविल प्रशासन है उन्होंने तंग करके
उन्होंने परेशान करता जिस दे कारण वजों वह अस्तीफे दे रहे आ नजाय जो किसी कोई तंग करता अक्सर फिर अगला कहता भी असी अस्तीफा दे के पासे हो जाइए। सो कई डॉक्टर बड़े चंगे डॉक्टर आ जिन्होंने तकरीबन तुम ये देखो भी अड्ड अड्ड जिलों के आ के भी इतने इलाज करा के जाते अखा वाले डॉक्टर सके गायनी विभाग से कोई अस्तीफा दे गया कोई बदली करा गया। सो बेनती है मुक्तसर साहब के डीसी साहब न भी डीसी साहब कृपा करके सिविल प्रशासन जो हस्पताल आ श्री मुक्तसर साहब का उन्हां वल ध्यान दो जो जिहड़ा इह हस्पताल आ बंद होण दे किनारे ते आ कि इह बच जा सके इहनूं बचाया जा सके। जे इसे तरह डाक्टरां ते उच्च अधिकारियां दी तलवार चलदी रही तां ओह दिन दूर नहीं जदों पंजाब विच गरीबां लई सरकारी हस्पताल एक सुपना बन के रह जावेगा ते प्राइवेट कंपनियां दा कब्जा हो जावेगा। सरकार नूं जवाब देना पवेगा कि जनता दे टैक्स नाल बने हॉस्पिटल बंद क्यों अते किस लई कीते जा रहे हन। भारत संदेश लिए श्री मुक्तसर साहब तो अनमोल सिंह वड़िंग की रिपोर्ट।